जय गुरु। कल पूजनीय बाबा दे के 54th जन्म दिवस उपलक्ष्य देवघर में सत्संग फिलंथ्रपी के सामने नाट मंडप में सत्संग अरेंज किया गया था। 7:30 बजे सत्संग शुरू किया गया था। सत्संग में परम पूज्यवाद आचार्य श्री श्री दादा बड़ा बहुती बाबाई था बड़ा बौराणी माँ अविंदा ये सब उपस्थित थे। स्वास्थ्य और सदाचार के संबंध में श्री श्री ठाकुर जी का निर्देश। शारीरिक सदाचार के लिए हमें ये सब नियम को साधारणतः मानकर चलना चाहिए। श्री श्री ठाकुर बोले हैं प्रसव काल में पानी लेना चाहिए, नाक मुख में अंगुली डालने पर हाथ को धो लेना चाहिए, दूसरे की व्यवहार की हुई चीज़ें यानी धोती कुर्ता गमछा बिछावन इत्यादि व्यवहार नहीं करना है। पैखाना से आने के बाद खूब अच्छी तरह से शौचादि करना है। अपने व्यवहार में लाए चीज़ों को हर समय साफ सुथरा रखना है। दूसरे का झूठा भोजन न करना, एक पात्र में अनेकों मिलकर भोजन न करना, फल को खाने के पहले अच्छी तरह से धो लेना, खाने के बर्तनों को अच्छी तरह से मांजना, यथासंभव दुकान में नहीं खाना, बाहर से आने के बाद हाथ पांव अच्छी तरह से धोकर घर में प्रवेश करना, प्रातः उठने के बाद रात का पहना कपड़ा बदलकर खाद्य द्रव्यादि स्पर्श करना, ऊपर से पानी पीना, पात्र में मुंह सटाए बिना पानी पीना, आमिष आहार और प्याज लहसुन मादक द्रव्यादि का वर्जन करके चलना, कदाचारी के हाथ का खाना न खाना, बीच बीच में उपवास करना, खाना खाने के पहले अच्छी तरह से हाथ पांव मुंह धोना, अपना घर एवं परिवेश को साफ सुथरा रखने की कोशिश करना चाहिए। आलोचना प्रसंग खंड 4 दिनांक 8/9/1942। जय गुरु।